किसी का भी बर्थडे कैसे पता, हमारा बताने का उद्देश्य यह था कि माइंड थोड़ा हम लोग का ग्रोथ होता है। प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा जो पढ़ते हैं, क्या वो कहीं काम आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऐसा काम ही नहीं कहीं। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके हैं, तो टॉपिक है कि किसी का भी बर्थडे कैसे पता करें। ठीक है, मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपको पता नहीं है, या आपके ब्रदर या सिस्टर का बर्थडे आपको पता नहीं है कि किस दिन और किस मंथ में है, तो आप जो मेथड बताएंगे उस मेथड को उपयोग करके इजी तरीका से बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात बताएंगे जो कि आपके लायक होगा, और बिना उस बात को सुने हुए आप लोग बीच में कमेंट गलत फलत मत करिएगा, सही भी मत करिएगा, गलत भी मत करिएगा। उस बात को ध्यान से सुनने के बाद ही आप कमेंट करिएगा जो भी आपके मन में आता होगा। तो चलिए पहले आपको एक टेक्निक बताते हैं कैसे निकलवा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर 6 स्टेप लेंगे और 6 स्टेप से ही आप किसी का भी बर्थडे बता सकते हैं। स्टेप 1 है कि आपकी जो भी जन्म तारीख है आप उसे ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जन्म तारीख 23 नवंबर है, हमने 23 ले लिया, तो आपका भी जो भी होगा वो ले लीजिए, ले लिए। अब चलिए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, आपकी जो जन्म तारीख है उसमें 2 से मल्टीपल यानी गुना कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 23 तारीख था, तो हम 23 में 2 से गुना करेंगे, 46 आ गया। आपका जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए। तो स्टेप 2 भी ख़त्म। अब स्टेप 3 में चलिए। स्टेप 3 में क्या करना, आपके जो भी आए हुए जवाब है उसमें 5+ यानी ऐड कर लीजिए। जैसे हमारा 23 में 2 से मल्टीपल किए, स्टेप 2 में कितना आया था, 46। अब 46 में क्या करना है, 5 यानी 5 को ऐड करना है, तो 46 अब 5 कितना हो गया, 51। स्टेप 3 भी कंप्लीट। अब स्टेप 4 में आ जाइए, आपके आए हुए जवाब को 50 से मल्टीपल कर देना है। स्टेप 4 में क्या करना है, मान लीजिए हमारा स्टेप 3 में 51 आया था, अब उस जवाब में 50 से मल्टीपल कर देना है। तो 51 और 50 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, आपका भी कुछ आया होगा। अब चलिए स्टेप 5 में क्या करना है, आपका जो भी महीना यानी मंथ है, जैसे हमारा 23 नवंबर था, नवंबर मतलब 11वां मंथ, तो आपका भी कुछ होगा। आपको क्या करना है, जो हमारा देखो आया था स्टेप 4 में 25 50, टोटल ऐड करके कितना आया था, 25 50। अब उसमें क्या करना है, 11 को ऐड कर देना है, तो 25 11 में ऐड करेंगे 25 61। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपका जो आ रहा होगा वो करते रहिएगा। ठीक है, ये मेरा अपना बता रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से ही चलना है। आपका जो भी ऐड करके मल्टीपल करके अब स्टेप 4 तक आया होगा उसमें 11 को ऐड करना है। तो स्टेप 5 भी कंप्लीट हो गया, हमारा आया 25 61। अब स्टेप 6 में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 6 में आपको करना है कि जो हमारा 25 61 आया था उसमें से 250 को माइनस कर देना है। तो 25 61 में से हम 250 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 23 11। आपका भी कुछ आया होगा, हमारा कितना आया, 23 11 आया, तो आपका भी जो आया है वही आपका मंथ और दिन हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए हमारा कितना है, 23 11 है, तो जो राइट में है, ठीक है, राइट में मंथ हो जाएगा, और जो लेफ्ट में है वो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। जो हमारा 23 आया है ये दिन है, और जो 11 आया है वो मंथ है। आप किसी का भी बता सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, इस वीडियो को शेयर करके ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, और लास्ट में जो आपको बात बताने वाले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बताए हैं ये मान लो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मतलब होता है ना कि बहुत एक अच्छा चीज़ बता दिए, ऐसा कोई है नहीं। हमारा बताने का उद्देश्य यह था कि हम लोग जो भी ऐसा पढ़ते हैं इससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा हम लोग का ग्रोथ होता है, सोचने की क्षमता पावर यानी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा जो पढ़ते हैं, क्या वो कहीं काम आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं कहीं है। वो हम लोग इसलिए पढ़ते, जो हमारा माइंड है वो ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ हो जाएगा तो हम कोई काम में लगाएंगे तो हमारा माइंड विकसित रहेगा, तो किसी काम को करेंगे तो हम बहुत ऊँच लेवल का करेंगे। ये जो हम बताएं आप लोग किसी का बर्थडे बताना, इसका मकसद है कि आपका जो लेवल है सोचने की क्षमता वो बढ़ेगी इसको सोचने से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 तक आप सोचोगे तो आपका क्या होगा, गणित के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हैं उसके लिए माइंड आपका ग्रोथ होगा। इसके वजह से हमने बताने की कोशिश किया है, नहीं तो और ये बताने कोई मेरा मकसद नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको जो कमेंट बॉक्स में करना होगा लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, जो मन में आता होगा वो आप लिख सकते हैं।
और वीडियो को यदि अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।